आज का हमारा टॉपिक है हाइपोइंक्लूजियम. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इन दिस केस रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल ग्रोज अपवर्ड एंड इट्स कॉर्नर्स और मार्जिन्स फॉर्म ए हॉलो पियर शेप स्ट्रक्चर. इट हैज एन एपिकल ओपनिंग एंड सम स्केल्स आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग. अब यहाँ पे दो किस्म के फ्लावर्स होंगे. जो फीमेल फ्लावर्स होंगे वो बेस पे प्रेजेंट होंगे, जो इसका ये इनर वाला सा हाफ है, और जो मेल फ्लावर्स हैं वो इसकी टिप पे प्रेजेंट होंगे नियर द एपिक्स. और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, पिग है, पीपल है, बैनियन है. हाइपोइंक्लूजियम अगर आप वैसे देखें तो इसका राउंड स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको कट करें तो फिर इस तरह से आपको नजर आता है. अब आपका सेकेंड जो टाइप थी इनफ्लोरेसेंस की वो थी साइमोज इनफ्लोरेसेंस. साइमोज इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो है वो जल्द ही फ्लोरल उस पर फ्लावर होता है और उसकी ग्रोथ वहीं पे खत्म होती है, और फिर उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जिसपे फिर टर्मिनल फ्लावर निकलेगा, और फिर उसकी डॉटर एक्सिस से दोबारा से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे. और इस किस्म में फ्लावर्स होते हैं बेसिपिटल सक्सेशन में. बेसिपिटल सक्सेशन में जो फ्लावर्स होंगे ओल्डर फ्लावर्स टूवर्ड्स पेरिफ्री एंड यंगर फ्लावर्स नियर द बेस. और द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल मींस ओल्डर फ्लावर्स ऑक्यूपाई द सेंटर. अब इसमें बिल्कुल इनवर्स है कि उल्टा है रेसमोज इनफ्लोरेसेंस से. ओल्डर फ्लावर्स आर इन द सेंटर एंड यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरल रीजन. साइमोज इनफ्लोरेसेंस मे बी यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस. अगर तो साइड से एक ब्रांच निकलेगी तो उसको कहेंगे हम यूनिपेरस. एंड देयर आर टू टाइप्स, स्कॉर्पोइड साइम एंड हेलिकॉइड. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि अगर तो एक ही साइड से जो है राइट साइड की एक राइट साइड से निकलेगी, दूसरी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से जो ब्रांचेस हैं लेटरल, तो ये वाला एक zigzag पैटर्न बनाएगा. फॉर एग्जांपल रेमिनिफ्यूलस एंड दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज यूनिपेरस. हेलिकॉइड साइन में सक्सेसिव डॉटर एक्सिस डेवलप ऑन द सेम साइड इधर राइट और लेफ्ट. एंड इन बोथ स्कॉर्पोइड एंड हेलिकॉइड साइंस द बेसल पार्ट्स ऑफ द सक्सेसिव डॉटर एक्सिस बिकम स्ट्रेटेंड अप टू फॉर्म द फॉल्स सेंट्रल एक्सिस और सिम्पोडियम, सो दैट द फ्लावर्स कम टू लाई अपोजिट द डेक्स. अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें फर्स्ट में रेनिनिफ्यूलस है, दूसरे में हेलिकॉइड में बिगोनिया है. बाईपेरस में टू साइड से दोनों मेन एक्सिस के ब्रांचेस निकलेंगी जो कि लेटरल ब्रांचेस होंगे, और मल्टीपेरस में मोर देन टू निकलेंगे. कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस में अगर हम देखें तो ये सिंपल इनफ्लोरेसेंस जब ग्रुप अप होती है तो वो कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड रेसिंग फॉर एग्जाम्पल consist of several racemes in the form of one inflorescence on the main axis. This is compound coring. Compound coring in this case the main axis is branched and bears a number of coring bows. For example, in gobi, phool gobi, compound corings. फूल कोरिंग में वो सब के सब एक ही लेवल पे फ्लावर्स होते हैं, तो आप अगर फूल गोभी देखें तो वो सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे क्लस्टर हो जाते हैं. कंपाउंड अम्बल द इनफ्लोरेसेंस कंप्राइजेस ऑफ ए नंबर ऑफ अम्बल्स बॉर्न ऑन द अम्बिलेट मैनर एट द टिप ऑफ द मेन एक्सिस. कंपाउंड स्पाइक अब ये भी उसी तरह से है कि मेन एक्सिस पे नंबर ऑफ सेसाइल लेटरल स्पाइक्स कॉल्ड स्पाइकलेट्स एंड ईच कंप्राइजिंग ऑफ वन टू टू फ्लावर्स इनक्लोजिंग इन स्पेशलाइज्ड ब्रैक्ट्स. इसमें
जवी है जैसे एविनस एटिका, क्रिटिकम है, बीट है, स्पाइक। ये देखें ये कुछ हैं, ये सिंपल अम्बल है, और ये देखें ये मेन एक्सिस पे तीन अम्बल लगी हुई है, दिस वन इज कंपाउंड अम्बल। इसी तरह से ये कोरिम है, ये देखें लेटरल फ्लावर की जो एक्सिस हैं वो लंबे हैं और ये तकरीबन एक ही लेवल पे सारे फ्लावर्स हैं। और ये कैपिचुलम है और हेड है, सनफ्लावर है जैसे, कैपिचुलम है ना उसका इनफ्लोरेसेंस। अब इसी तरह से कुछ स्पेशल इनफ्लोरेसेंसेस भी हैं जिनको ज़रा डिफिकल्ट होता है कि वो रियल मोड ऑफ ब्रांचिंग उनके अंदर कौन सी है, या तो उनका वेन एक्सिस सप्रेस्ड होता है या फिर फ्लावर बहुत ज़्यादा क्राउडेड फॉर्म होता है, इस वजह से इनको इनका स्पेशल ही नाम दे दिया जाता है। जैसे साइथियम है, साइथियम में मेन एक्सिस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड्स इन अ रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर दैट इज ट्राई कार्पिल बी, उसमें तीन कार्पल्स होंगे, कार्पल वो होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड सीन कार्पस, सीन कार्पस मीन्स के सारे तीनों के तीनों कार्पल्स आपस में यूनाइटेड होंगे। पिस्टल ओवरी के लिए वर्ड यूज होता है, बॉर्ने प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग पेडिसल, पेडिसल है लीफ उसकी फ्लावर की डंडी, ये सारे के सारे उस पर प्रेजेंट होंगे। ये ट्राई कार्पिलरी है, तीन कार्पल है फ्लावर के अंदर, और उसकी जो रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर है यानी उसने जितने भी एक्स्ट्रा अपने पार्ट्स थे उनको रिड्यूस कर दिया हुआ है। फाइव स्पोरपॉइड, स्पोरपॉइड है कि हेलिकल फॉर्म है उसकी, साइमोस क्लस्टर्स ऑफ द रिड्यूस्ड, इसमें मेल फ्लावर भी रिड्यूस्ड है, फ्लावर सराउंडिंग द स्टॉक ऑफ द फीमेल फ्लावर, उसको वहाँ पे उसको सर्कल करेंगे। एंड ईच मेल फ्लावर कंसिस्ट, अब मेल फ्लावर किस किस चीज पे है, सिंगल स्टेमन एंड स्केली ब्रैकेट एट सेंट, उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं है कि मेल फ्लावर है तो उसके सेपल्स और पेटल्स कोई चीज़ नहीं है। द पेरियंट, पेरियंट होता है जब सेपल्स और पेटल प्रेजेंट नहीं होते, वो यूनाइट करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको पेरियंट लीव्स कहते हैं। पेरियंट लीव्स आर कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड फ्लावर्स आर इनक्लोज इन ए कप शेप इन मोल्यूसर। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो कप शेप्ड होती है, दिस इज इन्वोल्यूसर, अब 25 दिसंबर को पीछे से कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ ओलियेसी फैमिली। यू क्या इसमें है, पापा भी रहते हैं ना, पापा ने भी अच्छे लगे थे, बस ये है कि थोड़ी सी इसमें चीजें लगती हैं, तत्ती लगती है, कंडेंस्ड छठो बड़े अच्छी है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही उधर, वर्टिसिलेस्टर, it is a condensed cymose inflorescence, cluster of flowers are borne in the axils of the opposite decussate bracts, decussate mein yahi hoga ki ye bilkul alternatively bilkul seedhe seedhe se idhar se bhi agar nikal raha hai aur idhar se bhi nikal raha hai, usi tarah se is kisam ke ye arrangement hogi, decussate jis tarah leaf ki arrangement hoti hai bilkul usi tarah se bhi honge। Two clusters of the flowers form a whorl at the node called verticillator. दो फ्लावर नोड के ऊपर ये देखेंगे एक whorl type structure cluster बना रहे हैं जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे verticillator. The cluster of flowers exhibit bigamous cymose arrangement first, but later becomes uniparous. पहले ये लगता है कि bigamous है लेकिन बाद में वो बायपेरस है, ये गैमस नहीं है, बायपेरस लगती है लेकिन वो बाद में उसको यूनिपेरस साइन ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ वन डॉटर एक्सिस। अब इसमें न्यासबो की एग्जांपल है, मिंट की एग्जांपल है। अब थर्ड वन इज अम्बिलेट साइमोस हेड, अब अगर हम अनियन को देखते हैं तो इसमें फ्लावर्स एक एट दी एंड ऑफ लॉन्ग लीफलेस स्टॉक, बिल्कुल ऑनियन में ऐसे होता है कि जिस तरह से एक
लहसुन में उसकी होती हैं बिल्कुल वैसे ही, अनियन के भी लीव्स होते हैं उनकी टिप्स के ऊपर ये इनफ्लोरिसेंस बनता है। द स्केप एंड अराइजेस इन इन द मिडेस्ट ऑफ द रेडिकल लीव्स। द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन मेनी हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर्स। हेलिकॉइड साइमोस या इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर ग्रुप्स की फॉर्म में करेंगे और ये एक अंबल की अपीयरेंस देता है। That's why this type of inflorescence is called umbellate cymose head. अब simple cymose head क्या होता है? In acacia जैसे कीकर है, श्री है, उसमें flowers clusters की form में arrange होते हैं, एक head बनाते हैं और actually वो जो cluster है वो एक scorpoid cyme है, in which the main axis and successive daughter axis have been reduced. And the flowers are almost sessile. उनकी डंडियाँ नहीं होंगी। अब ये आपके जो है ना इसके जितने भी इंफ्लोरिसेंसेस आए हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं भी किए उनकी भी डायग्राम्स हैं, ये आप लोगों ने ज़रा देख लेनी है। ये देखें इनमें से जो आपने पढ़े हैं, साइम्स है, स्कॉर्पोइड है, कंपाउंड है, इन मोर देन वन, इस तरह से डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ये पैनिकल है, और ये सारा कुछ इसके इंफ्लोरेसेंस का आपने याद करना है।